صلاه وسلام على قائد البر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل مخدوم اہل سنت پیر طریقت رابر شریعہ جناب مخدوم دیوان طارق اویس صاحب قادری ویسی دامت برکت و ملالیا زیب و زینت آستان آلیا دیوان حاجی شیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی واجب الاحترام آل رسول نسل رسول پیر طریقت و رابر شریعہ جناب صاحبزادہ پیر سید بابا زمان شاہ صاحب دامت برکت و ملالیا انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موزد و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان حضرت علامہ مولانا حاجی احمد بلال عطاری صاحب دامت فیوزہ اور دیگر اہل علم حضرات بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجدہ اے پاکیزہ اجتماع فرید کوٹ صدو ملے پاک پتن شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام جنابی حاجی محمد شہباز سیال صاحب جنابی منور فرید سیال صاحب احمد رضا اور دیگر تمام احباب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا مینوں اور آپ احباب نو ذکر آل رسول کرنے دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈی عاجزانہ حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے بھئی ایک بات دی وضاحت میں عرض کر دے وہاں تاکہ کسی نے میری ذات گلہ نہ روے کہ اسی سب لیٹ آئے نے میں نو تقریباً 20 یا 21 سال گزر گئے نے خطاب دے میدان وچ کشمیر تو لے کے کراچی تک دی ہر خیبر تک میں
हर गली हर मस्जिद हर गांव विच अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुकिया। मैनू जो दोस्त टाइम लैन वास्ते आते ने शायद ये बात अंदाजा नहीं कर सकते, तो खुसूसा तो जिंदगी एक रात या दो रात हफ्ते जागनी आँदी है या महीने बाद किसी महफिल तशरीफ लिया। मैं रोज़ाना रात जागना, रात भी मैं लाहौर सा, कल दिन नूं भी मैं हाई कोर्ट लाहौर के अंदर तकरीर सी, परसों भी लाहौर सा, उस तो पिछली रात भी मैं बहुत तवील मेरा सफ़र सी, मैं पीर महल के इलाके सा, सुबह भी मैं फैसलाबाद दो प्रोग्राम करने, मेरी जिंदगी दियाँ सारियाँ रातां जाग के हजूर दे जिक्र वास्ते गुजरिया ने। मैं जो होश संभाले मेरी जिंदगी सड़कों पर गुजरी है। दोस्त मेरे को जो टाइम लैन वास्ते आते हैं तो मैं पूछ लैंना कि भाई कितने नाथ खां हजरात ने और मेरा टाइम कितने बजे वे, ठीक है जी। मैं अपने टाइम पर हाजिर होना, मैं अगर रोज़ाना रात जागना हो और मैं तुहाडे कोल शाम 8 बजे आके स्टेज पर बैठ जावा, मैनू रात 2:30 बजे टाइम दिओ तुसीं, वो जिहड़े 5-6 घंटे होंदे ने उन्हां च मैं आराम भी कर सकना, मैं मुतालिया भी कर सकना। सारा दिन पूरे पाकिस्तान चों लोग साढ़े घरां दे अंदर मेहमान आते हैं, मिलन वाले, टाइम लैन वाले, दीगर मुहब्बत करने वाले, उन्हां नाल मुलाकात भी करनी होंदी है। दोस्तों नूं इह गल हुंदा कि शायद असीं सब लेट आते हैं, मैं लेट नहीं आता, मैं अपने टाइम नाल आना भाई। ये अपने अज जेहन च वजाहत अपने जेहन च रख लो, मैं लेट नहीं आता, मैं अपने टाइम नाल आना। तुहानू याद होवे जिहड़े दोस्तों ने पिछलियां दो मेरियां महफिलां पाक पतन शरीफ दियां इस महीने दर सुनियां ने, उन्होंने याद होगा कि पिछलियां दोनों महफिलों के अंदर मैं 2.5-2.5-3-3 घंटे स्टेज पर बैठा रहा। तो इतना अरसा महफिलों च गुजार के, जिंदगी सारी महफिलों च गुजार के, हुण मेरे च हिम्मत नहीं कि मैं 8 घंटे का सफ़र करके आवां और आके 2.5-3 घंटे मैं स्टेज पर बैठा, फिर मेरी बारी आवे, ठीक है भाई। ये वजाहत अपने जेहन च रखो, मेहरबानी है तुहाडी मेरे ते शफकत होगी। और मेरे ते एक गल नहीं करिया करो, असीं सब लेट आंदे ने, अलहमदुल्ला मैं पूरे टाइम नाल आना, मैनूं पता होंदा कि मेरी तकरीर कितने बजे शुरू होनी है, ये शफकत फरमाया करो। मेरा ख्याल है हुण तकरीर शुरू कर लईए। चलो माशाल्लाह, तो सुभान अल्लाह कहो, मेरी थकावट उतरे, मैं तुहानूं मदीने तो करबला लै चला, होर उचा बोलो माशाल्लाह। हाजी शहबाज साहिब पाक पतन शरीफ जिला होवे या जिला उकाड़ा होवे, दीपालपुर तहसील होवे, और बाज दफा तो बड़ी दूर दराज के बहावलनगर तक माशाल्लाह सुनने वास्ते तशरीफ लेके जाते हैं। अल्लाह इन्हां दे ज़ौक नूं सलामत रखे, और तुसी भी दूर दराज के तफ सफ़र करके काफिलियां दी शक्ल तशरीफ लेके आयो। नबी करीम के जोड़े पाकां दी खैरात अल्लाह सारयां दा उन्हां जाना कबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। इंतजामिया ने अज मेरे जिम्मा उनवान लगाए कि सानू वाकई करबला तो वापसी मदीना तो ये बाद सफ़र सुनाओ, तो इंशाल्लाह इसे ते ही गुफ्तगु अर्ज करांगे। दीवान साहब किबला तशरीफ फरमाए, सैयदजादे तशरीफ फरमाए, मैं इन्हां दा भी शुक्र गुजार हाँ कि रात इस वक्त तक तशरीफ फरमाओ। भाई याद रखिया जे असल वेला जागन दा हुण होया, क्योंकि दुनियादारां दे सौण दा ते अल्लाह वालें दे जागन दा वेला है। दुनिया के बाजार दिन खुलते हैं तो रात के पिछले पारों की रहमत का बाजार खुलता है। ये अल्लाह वाले की खरीदारी का वक्त शुरू हो गया है। मियाँ साहब ने फरमाया पिछली राती रहमत रब की करे बुलंद आवाजा, रहमत मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा। उदियां रहमतां दे बाजार दे खुलन दा वेला ते अल्लाह वालियां दी खरीदारी दा वक्त। कुरान मजीद फुरकाने हमीद दी 30वें सिपारे दी आयत बिना तिलावत करने दे शर्फ हासिल कीता। रब तआला ने इरशाद फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना, फरमाया ए इत्मीनान वाली जान, इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, लौट आ अपने परवरदिगार दी बारगह च इस हालत दे अंदर कि तू उहदे ते राजी है ते उह तेरे ते राजी है। फद खुली फी इबादी, पस दाखिल हो जा मेरे बंदिया विच, वद खुली जन्नती, और मेरी जन्नत च दाखिल हो जा। मालूम होया कि जब तक उहदे बंदियां च दाखिल ना होइए उहदी जन्नत दा दाखिला नहीं मिलदा। आयत मुबारक च अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। इत्मीनान किनू कहंदे ने? अल्लाह करीम ने कुरान मजीद च फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार बेशक अल्लाह दा जिक्र ही दिलां दा इत्मीनान ते सुकून है। नमाज रोजा हज ज़कात अमाले सालिहा करन तो बाद इंसान दे दिल च जिहड़ा सुकून पैदा होंदा रब दे कुरान ने उहनू इत्मीनान फरमाया। या अल्लाह जिहड़ा उच्चा बोले वो इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, हो
हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोलियो अपने मुर्शिद पाक नाल हज करके आवे। सने स्टेज वाले जिहड़ा हाथ चुके इस तो उच्चा बोलिया जे रात सौवे ते ख्वाब च हजूर तशरीफ लैके आवन। तेरा की जाता मौला जरा इस तू भी उच्चा बोलियो ना जाग दिया माफल ची हुसैन दी ते हुसैन दे नाने दी ज़ियारत अता फरमा। हाथ खड़ा करो मौला साहब तुसीं भी करो महबूब सारे दा सांझा ही है। हाँ जी गल तो भी बड़ा पक्का है भाई। हैं ये हाथ खड़े मैं भाई इस वास्ते करवाना किसी नूं शक शुबा ना रह जाए। सूरह यासीन च अल्लाह करीम ने फरमाया अलयौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। फरमाया कयामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे। ते ये जिहड़ा मोबाइल ते करदे हो ना ये कयामत नूं उंगलियां ने दसना कि अल्लाह की करदा रहा है क्योंकि जुबान ते बंद हो जाएगी हाथ बोलणगे। पर अल्लाह जदों तेरे हाथ नूं पुछे बंदा तेरे नाल की करदा रहे ते हाथ आके या अल्लाह जो भी करदा रहा माफ़ कर दे। उंज जदों जदों तेरे माही दना आया मैं उच्चा हो के सुबहान अल्लाह कहदा रहा। हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के नहीं चुकदे ते नाल दा बंदा फड़ के चुके बोलो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इत्मीनान कीजिए अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम जंगल च गुजरे थे आपने देखे एक मुर्दा परिंदा है उदे पर हड्डियां और उदा गोश्त अलग अलग बिखर चुकया। खलील इलाही अलैहि सलाम ने अर्ज की रब्बे अरी नहीं कई फतुहील मौता। अर्ज की मौला इस मुर्दा परिंदे नु किवें जिंदा करेगा। अबू जाल दा भी ए शिकवा सी नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे नाल के मुस्तफा तेरा रब मुर्दियां नु जिंदा किवें करेगा। अल्लाह फरमा कुल युही हल्लदी अनशाहा अव्वल मर्र वहुव बिकुल्ली खल्किन अलीम। फरमा माबू तुसी फरमा दियो कि जेड़ा रब तेनू पहली बार बना सकता है वो दूसरी बार भी बना सकता है। अल्लाह दे नबी खलील इलाही अलैहि सलाम अर्ज की थी अल्लाह मुर्दा परिंदा दोबारा किवें जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाया अवलम तुमिन तेरा ईमान नहीं कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेना। अर्ज की थी मौला मेरा ईमान है काला बला मेरा ईमान है कि तुम मुर्दे जिंदा कर लेने वला किल्लियतमा इन कल्बी जे कदे जिंदा करके वखा दे मैं मेरे दिल नु इत्मीनान हो जाए। अल्लाह ने फरमा चार परिंदे पालो। इब्राहिम अलैहि सलाम ने परिंदे पाले अल्लाह फरमा ज़बह करो ज़बह करके अल्लाह फरमाया ना हाँ कीमा बनाओ कीमा बना लिया। फरमाया अला कुल्ली जबल मिन्हुन जुज़अन सामने पहाड़ा ते थोड़ा थोड़ा कीमा रख के आओ। अल्लाह दे नबी कीमा रख के आए अर्ज की हुन अल्लाह फरमा थुम्म दुहुन्ना हुन मुर्दा परिंदे नु पुकार। पढ़े लिखे नौजवान भी तशरीफ फरमाओ सच्ची दसो अल्लाह दा नबी मुर्दा परिंदा नु पुकार सकदे ते असी जिंदा नबी नु नहीं पुकार सकदे। भाई नबी मुर्दा परिंदे नु पुकारे ते शिरक नहीं असी अपने जिंदा नबी नु पुकार लिए ते शिरक किवें हो सकदा है। अल्लाह फरमा मुर्दा परिंदा नु पुकार। अल्लाह दे नबी ने परिंदे नाम लेके पुकारिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे तसव्वुफ दीआं बेशुमार बातां कीतीआं मैं उस ज़िमन च नहीं अर्ज करदा। आपने जिहड़े वेले मुर्दा परिंदे नु आवाज़ दित्ती सारे मुर्दे परिंदे जिंदा हो के ते अल्लाह दे नबी दी आख तली ते बैठ गए। मुर्दा परिंदे नु जिंदा होंदा वेख के अल्लाह दे नबी दे दिल च जिहड़ी चीज़ ते कैफियत पैदा हुई अल्लाह दे नबी ने उन्हूं अल्लाह दे कुरान नु इत्मीनान फरमाया। मगर मेनु बड़ा कौल पसंद है हजरत अल्लामा काजी सनाउल्ला पानीपती मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह दा साहिब तफसीर मज़हरी फरमांदे ने इत्मीनान किनू कहंदे ने। शाह जी आप फरमांदे ने कि इंसान की अख दे सामने सारी कायनात उजड़ जावे उस हालत के अंदर भी इंसान नु अल्लाह दे जिक्र च सुकून मिले उन्हों इत्मीनान किया जाता है। आओ हुण ये आयत लैके जरा करबला दे टिब्बे ते खलोते हुसैन दी बारगाह च चली गए। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कुरान अहले बैत दे नाल ते अहले बैत कुरान दे नाल ने। मैं किसी हाफिज कुल कुरान पढ़िया तुसा किसी कारी कुल कुरान पढ़िया किसी ने किसी आलिम तो कुरान पढ़िया ते हुसैन ते ओवे जिन्हें उस माँ तो कुरान पढ़िया जिहड़ी माँ ने मुहम्मद तो कुरान पढ़िया है।
असा तो कुरान 1500 साल बाद पढ़िया उन हां दे बेड़े च कुरान नाजिल होंदा रहा उन हां तो वध के कुरान दी कौन तफसीर बयान करे। नबी करीम ने दस्या जे तेनू आल दी समझ ना आवे ते कुरान पढ़ ते जे कुरान दी समझ ना आवे फस अलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून फरमाया फिर अहले जिक्र तू सवाल करो। मौला अली फरमाते ने ए अहले जिक्र असि अहले बैत रसूल आ आओ करबला ते टिबे ते खलोते हुसैन दी बारगाह च आयत लेके चलिए मैं पढ़ा कुरान जे आखो सुभान अल्लाह। जिदी मां ने अलड़ बलड़ बावे दी लोरी ते पाले चुप रवे ते जिदी मां ने दुरूद दियां लोरियां ते पाले नो सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदा खाइए ओदा आते जिदी मां ने दस्या पुत्रा तू पले मुहम्मद दे लंगर ते में ओ बोले सुभान अल्लाह। सईदी साहिब अल्लाह ने कुरान मजीद इस आयत मुबारक च करबला दे वाक्य नु किवें बयान फरमाया। अल्लाह ने रिजा फरमाया या तो हल नफ्सुल मुतमाइन्ना तुरजी इरजी इला रब्बिक रादियतन मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। परवरदिगार ने फरमाया ए इत्मीनान वाली जान कादी सनाउल्ला पानी पति रहमतुल्ला ले फरमा देने इंसान दी अख दे सामने ओदी सारी कायनात उजड़ जावे उस हालत दे अंदर भी अल्लाह दे जिक्र च सुकून मिले ओनू इत्मीनान किया जांदा है। नौजवानो आयो आयत लेके करबला दे मैदान च चलिए साजी इमाम अली मुकाम दा काफिला मदीने ते टुरे आओ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं। जेडे वेले काफिला मक्के पहुंचे आओ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे आओ काफिला मक्के तू करबला वल टुरे आओ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे आओ तीन मुहर्रम नु करबला डेरे लगे गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे आओ सत मुहर्रम नु पानी बंद कर दिता गया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे आओ दस मुहर्रम दा सूरज चढ़िया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं ओदे सामने आपा दे बाजू कटे गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं ओदा अकबर कुर्बान हो गया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं कासिम दिया पसलियां टूट गईं हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं औनो मुहम्मद दे घोड़े दौड़ गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं असगर दे हलके च तीर लगे आए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं ओदी निक्की जी सकीना पे रोंदी है हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं पता नहीं करबला दे मैदान अंदर हुसैन अल्लाह दे जिक्र च किन्ना कु सुकून पिया मिलदा के सिर ने दे दी नोक ते चढ़िया है ओ अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं करी या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना ए इत्मीनान वाली जान पता नहीं कितना इत्मीनान है हुसैन ओदे सामने सारी कायनात ओदी उजड़ गई ओ अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे बोलो बोलो इत्थे सुभान अल्लाह कहना बणदा है हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे अल्लाह फरमा इन्नल्लाह मा साबिरीन अल्लाह सबर वाले दे नाल है। जब पता होवे ना रब मेरे नाल है फिर इंसान सुकून आ जाता है। शाजी जब खबर होवे कि रब मेरे नाल है अल्लाह ये नहीं फरमाया मैं नमाजियां दे नाल मैं हाजियां दे नाल मैं जुहद वाले दे नाल मैं तकबे वाले दे नाल हो सकता है यजीदियां नू ख्याल होंदा नमाजा ते असीं भी पढ़ने हाँ कलमा तो असा भी पढ़िया तो यजीद नु ख्याल आंदा हो रे रब मेरे नाल है। अल्लाह फरमाया ना ना इन्नल्लाह मा असाबिरीन मैं कल भी हुसैन दे नाल सा मैं अज भी हुसैन दे नाल हां मैं अज भी हुसैन दे नाल हां अज किसी दे वेड़े च एक लाश होवे ना अल्लाह ना करे ते रात नींद नहीं आती। दीवान साहब किबला ओदे वेड़े च 71 लाशां दा ढेर लगे है ते लाशा भी सारिया अपने
पुत्रां दियां भाइयां दियां भांजियां दियां भतीजियां दियां वीरां दियां गुलामां दियां लाशां ने ते लाशां दे ढेर च खलो के ना ते आसमान वल वेख के पे पुछदे ने राजी है कि होर देवां। अज एक गम आ जाए ना अल्लाह न करे किसी नूं ते उहदे खुदा तो शिकवे नहीं खत्म होंदे। 71 लाशां दे ढेर च खलो के पे पुछदे ने राजी है कि होर देवां। तू आवाज आई अज भी मेरिया रजामा पूछने वाले तू राजी है। आख्या मैं कासिमो अब्बास देखे भी न सैयद हारिया तेरा दिता तेनों दिता तेरे उत्तों वारिया। आख्या मैं कासिम देखे भी तेरे ते राजी हाँ मैं अकबर कुर्बान करके भी राजी हाँ मैं अब्बास दे बाजू उठा के भी राजी हाँ मैं उन्होंने मुहम्मद देखे भी मैं अजे भी तेरे ते राजी हाँ। तू आवाज आई इरजी इला रब्बी की राबिया मरदिया अजे भी साढ़े ते राजी रहन वाले तू ते साढ़े ना ते मर चलिया असी तेरे ते राजी हाँ जेड़ा कयामत तक तेरे ना ते मर जाए असी ओदे ते भी राजी हाँ। कयामत तक तेरे नाम से मर जाए असि ओदे ते भी राजी हाँ। देखो करबला अंदर किड्डा खेड हुसैन ने खेडिया है लोगो जाना दी मंडी हुसैन ला के दीन नाने दा विकदा ले लिया है। उन्हें ऐसी करबला दे मैदान दे अंदर खुदा दी रजा खरीद ली कि हुण जिहड़ा हुसैन दे नां दीआं तस्बीहां पढ़दा मर जाए रब ओदे ते भी राजी है। उन्हें ऐसी खुदा दी रजा खरीद ली राजी रजा ते रहना बड़ा ही मुहाल है। चुके आए पार सारा फातिमा दे लाल है उन्हें रब दी रजाई खरीद ली। मैं अज तुहानू मदीने तो करबला तक एक ओ काफिला जिदी कियादत हुसैन ने की पर करबला तो मदीने ओ काफिला गया जिदी कियादत हुसैन दी बहन जैनब ने की थी। एक ओ करबला जड़ा इमाम हुसैन ने देखा वाकया एक ओ करबला जड़ा हुसैन दी बहन जैनब ते जैनुल आबिदीन ने देखी। मैं अज उस करबला का जिक्र करना जिहड़ा वाक्य करबला दे बाद करबला दा वाक्य गुजरे। नौजवानों इमाम हुसैन दे हलके च जदों 10 मुहर्रम दे दिन तीर लग्या ना ते शिमर आप दे सीने ते बैठा है उस जालिम ने तलवार उठाई ते इमाम हुसैन ने फरमाया दो घड़ियां ठहर। इमाम इब्ने कसीर ने अलविदाया व नहाया च रवायत नकल की कि आपने फरमाया शिमर जरा अपने सीने तो कपड़ा हटा। शिमर ने अपने बटन खोले ते सीने तो कपड़ा हटाया तो इमाम हुसैन मुस्कुरा पे। शिमर कहन लगा ऐन मौत दा वेला होवे दुश्मन सीने ते बैठा होवे तलवार भी उठाई होवे ते मुस्कुरावन दा वेला केड़ा है। इमाम हुसैन ने फरमाया यकीन ते पहले भी बड़ा सी हुण पुख्ता यकीन मजीद हो गया मेरा नाना वाकई सच्चा रसूल है। शिमर पुछदा किवें फरमाया एक दिन नाने ने फरमाया सी कि मैं देख रहा कबरे रंग दा कुत्ता दो रंग दा कुत्ता मेरी आल दे खून च मुंह पिया मार दे कि आपने फरमाया हदीस सुनी सी पर समझ नहीं सी आ रही। अज तेरे सीने तो कपड़ा हटा के आखिरी वेले वेख्या ना ते तेरे सीने ते दो रंग दे दाग ने। चूंकि शिमर नूं परस दी बीमारी सी जिन्हों साडे पंजाब दे अंदर फुलबैरी भी कहंदे ने सफेद ते काले दाग सने दे जिसम उते आपने फरमाया वेख तेरे जिसम दे उते सफेद ते काले दो तरह दे दाग ने। नाना वाकई सच्चा नबी है मेरा नाना वाकई सच्चा नबी है। शिमर ने तलवार उठाई ना इमाम हुसैन दे कन्ना विच दूर किसे बस्ती विच अजान दी आवाज आई हैया अलसलाह हैया अलसलाह। गर्दन च चुके तीर लगया सी ना इमाम हुसैन ने अपनी जोर दे नाल गर्दन मोड़ के ते आपने जदों इस तरह करके ते सजदे च सिर रख के फरमाया सुभान रब्बी अल आला ते फरिश्तियां दी चीखें निकल गईं क्योंकि आदम अलैह सलाम नूं बना के अल्लाह फरमाया सी ना कि सजदा करो। फरिश्तियां ने सजदा ते कर लिया मगर फरिश्तियां नूं समझ नहीं आई कि रब ने सानू इंसान नूं सजदा करन दा हुक्म क्यों दिता। मेरे जुमले दी जे को कदर करने वाला बैठा होवे ते मैं जुमला अर्ज कर देवां मैनूं काबे दे रब दी कसम है हुसैन दे आखिरी सजदे ने फरिश्तियां दीआं करोड़ां साल दीआं इबादतां दा मान तोड़ के रख दिता। फरिश्तियां दे सारे मान टुट के जदों आखिरी सजदा हुसैन ने किया फरिश्तियां नूं फिर मकसद तहलीक तखलीक इंसानियत दी समझ आई कि रब नूं वनहनु नुसबिहु बिहमदिका व नुकद्दिसु लक रब नूं तस्बीहां पढ़ने वाले फरिश्तियां दी लोड़ नहीं रब नूं ते इंज दे यार चाहिए ने जिहदे ओहदे नां ते पुत्र कुरबान करके फिर भी उहनूं ही सजदे करी जांदे ने। रब नूं ते इंज दे यारां दी लोड़ है। मेरा दिल करदा मैं इहदी सारी तफसीर हज़रत सखी सुल्तान बाहू कोल करवा के देवां जिन्हें जिन्हें मेरे नाल चलना बोले सुभान अल्लाह।
बस मैं तमही सुना ली, हूं मैं तकलीर सुना रही है। आरिफ अंदर सुल्तान ने एडा ही रंग पेश फरमाया वाक्य करबला नू इको बैत च हजरत पीरे बाहू ने सारे बयान फरमा दिता। आबिरजा फरमा देने आशिक होवे ते इश्क कमावे दिल रखी बागे पहाड़ा ऊसा पदिया ते हजार उलामे कर जानी बागे बहारा हू मनसूर जाए चुक सूली चाड़े जेड़े बाकी पे कुल असरारा हू सर सजदे हो के ना चुकिए बाहो पावे काफिर कैन हजार अलिफ लाम मीम अहसिब الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون। मेरे सियालकोट दा कलंदर ते लाहौर दा दरवेश मुसव्वरे पाकिस्तान अलामा इकबाल ने एदी तर्जुमानी इंज फरमाई, फरमा देने ये कत्ल गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, दिल रखी वांग पहाड़ा। ये इश्क दे वेड़े च पैर रखना ही ते दिल रखी वांग पहाड़ा हो। गिरामी कदर हजरात ए वाक्य करबला कोई हादसा या वाक्या नहीं, पता नहीं कितनिया सदिया ने इस वाक्य की तरबियत फरमाई सी। वाक्य करबला इश्क की एक मंजिल सी जिहड़ी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनहो ने तीन दिन विच पास कर ले। मैं इस इम्तिहान वाला गट्टर पिया तो एक अलग उनवान शुरू हो जाएगा। आओ तुहानू वाक्य करबला का लुबे लुबाब अर्ज कर देवा। शिमर इमाम हुसैन दे जसदे अकदस ते जिसमे अकदस ते बैठा है। हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अनहो तो किसी ने पूछा सी कि करबला च इमाम हुसैन नू कितने जख्म आए। उन्हें अर्ज की ये करवाए चाहुंदा कि 74 जख्म आए। एक करवाए ते चाहुंदा कि 82 जख्म आए। एक करवाए चाहुंदा 103 या 113 जख्म आए। ते तुसी हुसैन दे पुत्र हो, तुसी दसो कि इमाम हुसैन नू करबला विच कितने जख्म आए। इमाम अली रजा रो पे ते आपने फरमाया चंगी गल है जे ना पूछे। अर्ज की लाजपाल दिया पुत्र आज तू भी ना दसे ते कायनात नु कौन दसेगा। इमाम अली रजा ने रोके इरशाद फरमाया ना 103 ते ना 13 ते ना 74 ते ना 82। आपने फरमाया जे सच्ची पूछे ते करबला च हुसैन दे जख्म ते जिस्म ते इतने जख्म आए सन जितने कुरान दे हरफ ने। कुरान दे हरफा जितने जख्म आए कुरान दी एक एक आयत दी तफसीर पिया करी जांदे। हजरत इमाम मूसा काजम रदी अल्लाह तआला अनहु तो किसे पूछा कि करबला दे मैदान च इमाम हुसैन घोड़े तो जमीन ते कितनी देर च तशरीफ ले आए। आपने फरमा 9 दकीका 9 मिनट लगे। उन्हें अर्ज की हुजूर घोड़े तो जमीन ते डिग दिया 1 मिनट नहीं लगता, 9 क्यों लगे। इमाम मूसा काजम रदी अल्लाह तआला अनहु ने फरमाया कि 9 मिनट तक मेरा दादा हुसैन न घोड़े ते सी ते न जमीन ते सी। हजूर कितने सन? फरमाया 9 मिनट तक यजीदी अपने नेतियां दी नोकां ते चुके फिर दे रहे सन। तो जवानों पता नहीं जो इमाम हुसैन नेजियां दी नोकां ते चुके फिर दे होंगे उस वेले सकीना ते की बीतदी होगी। उस वेले सैयदा ज़ैनब खेलों दी होंगी जुल्म दी तलवार उठी। यजीद जालिम दा ए जालिम तरीन सिपाही शिमर इस जालिम ने तलवार उठाई ते तलवार चली ते इमाम अली मुकाम दा सारे अकदस्तान तो जुदा हो गया। हूरां भी रोन लग पईआं, खून दी बारिश आसमान तो बरस पई, जिन्नात दे रोन दी ते नोहियां दी आवाज आई। सीरत दस दिया ने के 10 मुहर्रम उल हराम नो इमाम शहादत दी इमाम हुसैन दी शहादत दे बाद पूरी दुनिया दे अंदर जेड़ा भी पत्थर उठाया गया नीचे तो खून दा फवारा निकलिया। सारी कायनात दे अंदर खून बरसया, फरिश्ते भी रोए। बल्कि उस दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी परेशानी दा आलम ए सी कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम दी ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमादियां मैं दोपहर वेले लेटी हां
अचानक मेरी अख लगी ते मैं देखिया कि सरकार मेरे ख्वाब विच आए ते नबी करीम दी दाढ़ी तरीश मुबारक विच धूड़ ते मट्टी है। इंज लगता जिवें सरकार बड़े सफर तो वापस आए ने। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन फरमा दी, मैं अर्ज की कमली वाले ने दुखी क्यों हो? रसूल अलबी ने फरमाया, रो के फरमा करबला च मेरा हुसैन आज शहीद कर दिता गया। मैं करबला के मैदान चो अपने हुसैन की शहादत देख के आया, शहादत देख के आया। नौजवानों मैं केड़ा रंग पेश करा, सारा जिस्म हुसैन सखीदा ये तीरा नाल परोता, सैयद रेत ततीत ये नीत निमाज खलोता। ये तो इमामे आली मुकाम दे सरे अकदस पे उतार दे सन, उस वेले खैमे दे अंदर हुसैन दी बहन जैनब जोहर दी नमाज पे अदा कर दी सी। अपनिया मावा बहन बेटिया वास्ते इस्लाम दिया बेटिया लिख करबला दा मेरे कुल वाहिद पैगाम ले जाओ। करबला दे साढ़े कुल चश्मदीद दो ही गवाह ने, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते एक हजरत सैयदा ज़ैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के 14 या 15 साल के बेटे ने। आ फरमाते ने कि साडा काफिला मदीने तो टुरिया से मक्के गए, तो मक्के तो करबला आए, कुरबानियां दे के असी कैदी होके दमिश्क के कैद खानिया तक गए। दमिश्क के कैद खाने तो असी वापस करबला, तो करबला तो मुड़ मदीने वापस आए। आ फरमाते ने इतने महीने दे इतने तशद्दुद वाले सफर दे बाद भी मैं पूरे वाके ते पूरे सफर च अपनी फुफो ज़ैनब दा एक तहज्जुद दी नमाज दा सजदा भी छुटदा नहीं वेख्या। तुसी मेरी बात नहीं समझे, मैनू कसम जे रब्बे वहदादी जिन्ना मौकियां ते औरतां वैन कर दियां उन्ना मौकियां ते हुसैन दी बहन ज़ैनब सजदे कर दी रही। जे इमामे हुसैन दे आखरी सजदे नूं लख सलाम ने ना ते करोड़ां सलाम करो ए हुसैन दी बहन ज़ैनब दे सजदे आहो। आंधी में एक चराग सरे शाम जल गया, ज़ैनब को दो दुआएं इस्लाम बच गया। ते सैयदा ज़ैनब दा मैं किरदार करबला दे मैदान च अर्ज करां, ज़ैनब ज़ैनब ज़ैन अब दा माना बाप, ते ज़ैनब दा माना बाप वर्गी। ज़ैनब दा माना है जेड़ा सुन्नी मां दा पुत्र बस बोले। ज़ैनब दा की माना है? बाप वर्गी। ते जेड़ी मौला अली दी बेटी होवे ते होवे भी बाप वर्गी, ते शेरे खुदा दी बेटी होवे। औरत च हिम्मत ते सबर दो चीज़ा कदे इकट्ठियां नहीं होइयां, पर आ मैं तैनूं उस औरत दा सबर ते उहदी हिम्मत सुनावां। उहदे सामने 72 लाशां दा ढेर है, उह नमाज पे पढ़दी है, उह नमाज पे पढ़दी है। शाजी जड़ी वाले इमामे हुसैन तो सर अकदस उतार के ते आप दी लाशे मुबारक ते आप दे जस्ते मुबारक ते यजीदी घोड़े पे दौड़ांदे ने, ते आप दा सर अकदस नेदे ते रख के ना ते एक दूसरे वाल पे आप दा सर मुबारक सटदे ने। इमामे हुसैन दी शहादत दे बाद यजीदी जालिमां ने इमामे हुसैन दे खैमियां नूं अग लगा दित्ती। किताबां च लिखे कि हजरत सैयदा सकीना इमामे हुसैन दी 7 साल दी बेटी, लाडली तरीक बेटी, कन्ना च जिहड़ियां सोने दियां बालियां सन। एक जालम यजीदी करीब तो गुजरिया तो सैयदा सकीना दे कन्ना दियां बालियां भी खिंच के नाल ही लै गया। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कन्ना विच खून दा फवारा निकलिया। सैयदा सकीना 7 साल दी बेटी जिहड़ी कई दिनां दी प्यासी भी है, भुखी भी है, परदेसण भी है, जिहदा बाप जिहदे भाई शहीद हो चुके ने, सैयदा सकीना दे कन्ना दियां बालियां भी खिंच के ते कन्न भी जख्मी भी कर दिते गए, कन्न भी जख्मी हो गए। अज जिहड़े ज़ालिम कहंदे ना कि नहीं जी यजीद ने कोई ओहदे लुटेरियां ने खैमे च कुछ नहीं लुटिया, उन्हां वास्ते मैं इक्को ही जुमला अर्ज करांगा, जिहड़ा चोर होवे ते आदी ते पक्का चोर होवे, ओह चोरी करके कदों मनदा है? चोर चोरी करके कदों मनदा है? अज जिहड़े कहंदे नहीं जी किसे ने लुटिया नहीं ते खैमे नूं अग्गां नहीं लगाइयां, जवानों जिहड़े वेले इमामे हुसैन दी लाशे मुबारक ते घोड़े दौड़ा रहे ना,
तड़प जाओगे। जुमला सुन के उस वेले हुसैन की बहन ज़ैनब असर की नमाज पी पढ़ती सी। नमाज पढ़ के इस तरह करके सलाम दाएं तरफ फेर दाएं तरफ छोटी जी सकीना रोके ते अर्ज कर दी, पुप्पी अम्मा मेरे कन्ना च बड़ा दर्द हो रहा है। तो सैयद ज़ैनब ने तो बाएं जानब सलाम फेरिया, एक औरत पानी का प्याला लेके खड़ी ते प्याला अगे करके कह लगी ज़ैनब पानी पी ले। सैयद ज़ैनब पानी वाल वेख्या ते चीख निकल गई, प्याला हटा के फरमान लगी है बीबी जी दा इंज दा वीर प्यासा ही टुर जाए दुनिया तो उस बहन को पानी नहीं पीता जाता। उस औरत ने अर्ज की सैयदा मैं कोई बेगानी थी नहीं, मैं करबला दे पहले शहीद हजरत होर दी बीवी हूँ, खून दे के करबला च हिस्सा पा गया। मुस्तफा दिए दिए मेरा पानी कबूल फरमा, मेरा करबला च हिस्सा पै जाए। रावी लिखदा सैयद ज़ैनब ने पानी का प्याला पकड़िया, पानी वाल वेख्या ना ते ख्याल आया मेरे वीर हुसैन दा पुत्र 14 साल दा ज़ैनुल आबिदीन अज 3 दिन हो गए बुखार नाल बेहोश है, बड़ा ही प्यासा होवे ना तेनू पानी ना पिला के आवां। सैयद ज़ैनब ने पानी दा प्याला पकड़िया, ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे च आईआ, ज़ैनुल आबिदीन दा सिर गोदी च रखिया, नाले रोके फरमाउन लगी अखा खोल यतीम हो गया है। इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने अखा ते नहीं खोलिया। सैयदा ज़ैनब फरमादिया पुत्रा वे पानी पी ले। इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने प्याला हटाया ते रोके फरमाउन लगे परदेसियां नाल प्यार करन वालिया कौन है। फरमाउन लगी अखा खोल फूफो ज़ैनब आई आओ। अदर ज़ैनुल आबिदीन रोन लग पे, अर्द करदे ने पुप्पी अम्मां तुसा पानी पीता या नहीं पीता। फरमाउन लगियां तू छोटा पहले तू पी लाए। अर्द की पुप्पी अम्मां जे पहले छोटिया पीना है मेरी बहन सकीना नूं पानी पिला दे। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं प्याला लैके सकीना दे खैमे दे अंदर आई आ। फरमा दिया सकीना नी बेटी पानी सकीना हटा के कह लगी फूफी अम्मा जे पानी पिलाना मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन पिला दे। फरमा दिया नी धीए पानी लैके गई जाओ। वो कहते पहले छोटे पीन गे फिर बड़े पीन गे। सकीना पानी दा प्याला फड़िया करबला बल दौड़ पई। सकीना ने आवाज़ दे के फरमान लगी नी धीए किथे चली है। सकीना मुड़ के कह लगी फूफी अम्मा जे पहले छोटिया पीना है असगर नू पिलाउन चली आ ओ ते मेरे नाल भी छोटा है। सकीना नू ठोकर लग गई, पानी दा प्याला करबला दी रेत डुल गया। करबला दी रेत ने पानी पी लिया। हुसैन दी सकीना मुड़ प्यासी रह गई ते मियां दा परमा दिले ताकत हुंदियां दौर नहीं लाया। वो बैठे मन रजाई दुनिया तो प्यासे टुर गए। यारों दीन दुनिया दे साई सैयद ज़ैनब ने जाके सकीना नु चुके ते गोदी च लिया के बिठा लिया। असर तो लैके ते मगरिब तक सैयद ज़ैनब सकीना नु गोदी च बिठा के ना ते थपकियां देंदियां रहियां। जमानो मगरिब दी नमाज दी अजान हुई ना तो सैयद ज़ैनब ने सकीना नु उठाया ते जाके सकीना दी मां हजरत रुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हा दी गोदी च लटा दिता। आ फरमा दिया मैं मगरिब दी नमाज पढ़ी। निमादे मगरिब दे बाद सैयद ज़ैनब फरमा दिया कि करबला दे मैदान च निका निका अंधेरा छा गया। आ फरमा दिया मेरे कन्ना च इमाम हुसैन दी वो आखिरी अल्फाज पे गूंजदे ने मेरे वीर ने आख्या सी मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। शाह जी आखिरी वेले इमाम हुसैन दे अल्फाज सन मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। अपनियां धीआं नाल प्यार करन वाले इमाम हुसैन नूं सकीना नाल इतना प्यार सी कि आप फरमाते होंदे सन अरबी दा एक शेर पढ़दे सन। आप फरमाते सन जेडे वेड़े च सकीना तो दी मां रुबाब नजरी ना आवे उस वेड़े में आवन का हुसैन का जी नहीं करता। आखिरी वेले जदों फरमाया ना सकीना का ख्याल रखियो तो सैयद ज़ैनब फरमाया सी वीरा तू ध्यान नाल जा
तेरी बेटी नो इंज पालांगी कि मैं तेरी कबर ते कुरान पढ़िया करांगी ते सकीना तेरी कबर ते झाड़ू दिया करेगी। हुण सैयदा ज़ैनब फरमा दिया अंधेरा करबला च छा रहा ते मैनू ख्याल आया सकीना कित्थे गई। आ फरमा दिया मैं हजरत रुबाब दे खैमे च आई ते वेख्या ते मां दी गोदी च सकीना कोई नहीं। आ फरमा दिया मैं ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे च गई ते सकीना उत्थे भी कोई नहीं। आ फरमा दिया मैं एक ते दो ते तीसरे खैमे च सारे च ढूंढ रही हूँ सकीना किधरे नजर ही ना आवे। इधर करबला दे मैदान च अंधेरा गहरा हो गया। अज पहली रात जड़ी सकीना ने बाबा बगैर ते ज़ैनब ने वीर दे बगैर गुजार इयो रात सी जड़ी आले रसूल ते बड़ी सख्त डाढ़ी रात सी। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं सकीना नु आवाज़ा दे रही हूँ बेटी सकीना कित्थे गई कितने भी सकीना नजरी ना आवे। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मेरा कलेजा ढोंदा जा रहा हूँ। फरमा दिया मैं ढूंढदे हाँ करबला दे मैदान च आई देखे आ सकीना इमामे हुसैन दियां लत्तां विच लेटी होई है अपने बाबा दे पैरां नूं पे चुमदी है नाले रो के कहंदी है बाबा सकीना नूं सीने ते सुलाया जे सैयदा दे लबन चुक सीने नाल लाया। फरमा दिया नी सकीना की पे करनी है अर्द कर दी है पुपी अमार बाबा दे सीने ते सौंदी ही रही और सीना तीरा नल छल नहीं हो गया है सीने ते जगह नहीं मिली बाबा दे कदमा च लेट गई आओ। सैयदा दाना चुके खेमे वल जा रही आओ सकीना मुड़ के कहन लगी फूफी अम्मा खेमे अज फिर जावांगी जे बाबा वादा करे सीने ते सुलाना या करेगा। इमाम हुसैन ते लाश तड़प गई ते सकीना रो के कहन लगी माँ मरे ते माँ पे मुक दे ते वीर मरन बेड़ा बेला ए बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ते मुक जांदा जे मेला। एक स्पीकर दबो मेरे वल नौजवानों सैयद अदान ने फरमा दिया सकीना मैं खेमे च लैके आई तो मैं इशा की नमाज पढ़ी निभा दे इशा पढ़ा के ना तो सैयद सकीना अपनी गोद च लटा लिया तो सैयद ज़ैनब थपकियां दे के सुला देता। पता नहीं कितनी रातों के दिन सफर थकावटा के नाल थकी हुई सकीना अपनी पुप्पो ज़ैनब की गोदी च सो गई। पता नहीं वो रात सकीना थी ज़ैनब ने किवें गुजारी। अद्धी रात वेले सैयद ज़ैनब फरमा दिया मैनू ख्याल आया कि जंगल बियाबान कितनिया साड़ियाँ लाशा को जानवर आके नुकसान ना दे। सैयद ज़ैनब ने इमामे हुसैन की तलवार पकड़ी अपन बिखरिया हुई लाशा पुत्रां दियां भतीजियां भांजियां वीरां दियां लाशां कट्ठियां करके ना ते आपने लाशां का ढेर लगा लिया। सैयद ज़ैनब लाशां के इर्द गिर्द पैरा पैया दे दिया। उधर यजीदी फौजी जालिम नशे च थुत शराब ते कबाब के नशे च अपनी झूठी फतह का जश्न पे मनांदे। इधर मुस्तफा की बेटी की बेटी अपनी लाशां का पहरा पे दे रातों रात ढली ना ते अचानक सैयद ज़ैनब फरमा दिया मैं दूर एक शूतर सवार अपनी लाशां वाल आउंदा नजर ही आया। आप हैदर करार वाले जोश च फरमान लगी वे आने वाले वे जरा ध्यान लावी अगे मुहम्मद दे शेर सुते होए ने मुस्तफा दे शेर सुते ने आने वाला करीब आया उन्हें दो निकिया निकिया लाशां वाल इशारा किया पुछदा दो लाशां किहड़ियां ने रो के फरमान लगी आऊं मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां ने उन्हें इशारा करके पुछया आ दो लाशां किहड़ियां ने फरमा दिया मैं परदेसां दे वीर दे पुत्रां दियां लाशां ने उन्हें पुछया कौन है जड़ा गाऊं करबला दे मैदान अंदर नेदे दिनों ते कुरान पढ़ी जा रहा। फरमा दिया मेरा वीर हुसैन ओ ना
सवार टुरिया जा रहा सैयदा ज़ैनब आवाज़ दे के फरमाउण लगियां वे जान बादिया बेदरा जा दीवार दस जा तू कौन है उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया ते कहन लगा तुद गरीब दाना ना बचड़ी तेरा पैरा वेख मैं आया उस वेले किथे सैना ना जदों असगर गया तरहाया इमाम हुसैन दे लश्कर दा एक ऊंट ज़बह करके तो दा गोश्त बना के जदों सालन बनाया ते दस्तरखान बिछा के सारे यजीदी फौजी जालिम जदों खाना खान वास्ते बैठे सारा सालन खून बन गया। एक यजीदी आके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे सन आप नु कोड़ा मारिया ते कह लगा तो सानू दस्या क्यों नहीं कि तेरा कोई ऊंट बीमार है। आपने फरमाया मेरा ते कोई ऊंट बीमार नहीं। कह लगा असा तेरा एक ऊंट ज़बह करके सालन बनाया सारा खून बन गया सारी मेहनत जाया हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैरान होके फरमान लगे उस ज़ालिमा मेरा केड़ा ऊंट ज़बह कीता है। कह लगा जेड़ा तेरे ऊंटां दी कतार च पंजवें नंबर दा ऊंट सी मैं ओ ज़बह कीता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प के फरमान लगे उस ज़ालिमा नु क्यों ज़बह कीता है उहदे ते बैठ के मेरा वीर अकबर मदीने हो आया सी मेरा वीर अकबर आया सी। सैयद ज़ैनब रो के फरमान लगे ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा इन्हां यज़ीदियां ज़ालिमां नु कह दे साडा इम्तिहान मुक गया ते तुहाडा शुरू हो गया जे। आ फरमान लगियां तुसां सानू जितना ज़बह करना सी कर लिया हुण अल्लाह दी कुदरत दी दलील ते इरादा ए वे कि हुसैन दा हुण कोई जानवर भी ज़बह ना होवे हुण ज़बह होण दीआं वारियां तुहाडीआं आ गईआं जे। ए खून बन गया इस वास्ते कि ताकि तुसीं हुसैन दा हुण कोई जानवर भी ज़बह ना कर सको। पतन शरीफ बाबा फरीद दी नगरी वाले तीन दिन तक यजीदी फौजी करबला दे मैदान च रहे। तीन दिन के अंदर इन ज़ालिमां ने अपने सारे जहन्नमियां दियां फौजियां दियां लाशां नूं दफन करके उन्हां दियां कब्रां बनाईयां ते जनाजे पड़े पर मुस्तफा दी आल ते मुस्तफा दे गुलामां दे लाशां उसे तरह करबला दे मैदान च बिखरियां। मैं एक रवायत ते इत्थों तक पढ़िया कि इमाम हुसैन ते आप दे रूफाका दियां लाशां करबला दे मैदान च तीन महीने पईयां रहियां बगैर कफन दे। एक रवायत आंदा है कि करबला दे करीब एक बस्ती सी उस बस्ती दे लोगों ने चंद दिन दे बाद आके जनाजा पढ़ के दफन किया। मगर एक रवायत आंदा है कि जदों सैयदा ज़ैनब मुल्के दमिश्क दे बाजारां चों यज़ीद दे कोलों हो के वापस मदीने वाल आईयां ते तीन महीने बाद करबला चों गुजरियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे नाल मिलके आपने पहचान पहचान के लाशा नूं करबला दे मैदान च दफन किया। दुनिया में सितम लाखों हुए लाखों सितम होंगे मगर जो आले अहमद पर हुए ऐसे भी कम होंगे। तीन दिन दे बाद इन ज़ालिमां ने रसूलुल्लाह दी बेटियां नूं कैदन बना लिया। ऊंटां दियां पुश्तां उत्ते ना पलान रखे ते ना को गद्दी रखी गई ऊंटां दियां बेपरदा पुश्तां ते रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं बिठाया गया। पुत्र उस वेले ज़ैनुल आबिदीन की हालत हुई आबिद जानते या महबूद जानते जिहड़े वेले काफिला मदीने वल तुरिया ना जदों करबला दे मैदान चों मुल्के शाम वल तुरिया ते सैयदा ज़ैनब फरमांदियां बेटा ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ालिमां नूं कहा मेरे वीर दी लाश दे करीब तो गुजरिया जे मैं जांदी वारी वीर वेख जावां। तड़प जाओ कि मेरी बात सुन के 72 ऊंटां दी कतार सी सारे तो पहले ऊंट दी मुहार ज़ैनुल आबिदीन दे हत्थ च ते जिहड़ा सब तो आखिरी ऊंट उहदे ते हुसैन अली मुकाम दी बेटी सकीना बैठी होई आखिरी ऊंट ते सकीना दे बैठन दी वारी आई।
शाम वाले जदों चली कब गया सी अरश खुदा दा नाले कबर रसूल दी हिली काफिला करबला दे मैदान च गुजरिया रस्ते चुके बस्ती चु गुजरे थे एक कसाई बकरी पे ज़बह करे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बकरी ज़बह होंदी वेखी ते रोके फरमा लगे ओ कसाईया ए बकरी नु पानी पिलाया कि नहीं कसाई कह लगा जी मैनु मसला याद के जानवर ज़बह करियो तेनु पानी पिला के ज़बह करीदा मैनु पानी भी पिलाया ते पट्ठे भी खिलाए ने ते रोके फरमा लगे कितने ज़ालिम हो तुसी कुफियो ओ जानवरां नु पानी पिला के ज़बह कर दियो ते सानू प्यासा ही ज़बह कर दित्ता है सानू प्यासा ही दबा कर देता इमाम ज़ैनुल लाबदीन आगे आगे रोंदे जा रहे पीछे इतना ते रसूल रसूलुल्लाह दी आल दियां बेटियां कैदन बन के ते काफिला टुरिया ना जदों यजीद ने शहर च ऐलान कर दिता कि सारे शहर वाले इन्हां दा इस्तकबाल करो लोगों नूं नहीं पता कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेटियां ते इमाम हुसैन दा सारा आ रहे यजीद ने शहर च ऐलान करा दिता कि हुकूमत दे बागी आ रहे ने बागी आ रहे ने माज़ल्ला हुकूमत दे यजीद लोगों नूं दसना चाहता सी कि जेड़ा मेरी हुकूमत दे खिलाफ बगावत करेगा उहदा मैं आ हल करांगा लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशा वेखण वास्ते खड़े ने अगे अगे इमामे हुसैन अपने बाप दे सिर वाला नेज़ा ते ऊंटा दी मुहार पकड़ के जा रहे ते अखियां विच अथरुआं दी इंज कितार जिवें तस्बीह टुट जाए ते तस्बीह दे दाने गिरदे ने उलमा तशरीफ फरमाने दुनिया च जेड़े सब तो ज्यादा पांच लोग रोए ने एक हजरत बाबा आदम अलैह सलाम जन्नत दी जुदाई विच 350 साल रोए एक हजरत यहया अलैह सलाम ने जेड़े सारी जिंदगी सजदे दी हालत च रोंदे रहे एक अल्लाह दे नबी हजरत यकूब अलैह सलाम अपने पुत्र यूसुफ दी जुदाई च रोए एक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 6 महीने लगातार नबी करीम दे विसाल दे बाद रोईयां ते एक कायनात ज़ैनुल आबिदीन जे जेड़ा करबला दे वाके तो बाद सारी जिंदगी मुस्कुराया ही नहीं बाकी सारी जिंदगी रोंदियां गुजर गई हजरत इमाम कासिम दी अम्मी हजरत इमाम हसन दी बीवी ने एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु बुलाया हजरत उम्मे फरमा इमाम कासिम दी अम्मी जानो ने जिहड़ियां वाके करबला दे बाद सारी जिंदगी कदे साए च नहीं बैठियां कदे किसी दरख्त या दीवार दे साए थले नहीं बैठियां सारी जिंदगी तुप्पे बैठियां रहियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन आके ते फरमान लगे ताई जी कदे कदे छावे बैठ जाया करो ते हजरत उम्मे फरमा रो के फरमान लगे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन एक वादा तू कर ते एक वादा मां करनी अर्ज की फुफो जा ताई जान दसो केड़ा वादा हजरत तुम में फरवा फरमान लगी हां मां भी छावे बैठना शुरू कर देवांगी एक वादा तू कर तू कदे रोया नहीं करेगा ते मामे जानो लाबेदी रो के फरमाते ने चत्ता ये मां किवें ना रोवा जदू कदे पानी वेखा अब्बा याद आ जांदा है जदू कदे पानी वेखना ते असगर याद आ जांदा है कदे ठंडा पानी वेखा ते वीर अकबर दी याद आ जांदी है किवें ना रोवा गिरामी कदर हजरत इमामे जानो लाबेदी रोंदे जा रहे एक बाबा करीब आके कहन लगा पुत्रा क्यों रोना है फरमाया बाबा कदे सूरज यूसुफ पढ़िया अल्लाह दे नबी यकूब दा एक यूसुफ विछड़िया ते अल्लाह फरमाया बब यदत आईनाहु मिनल हुज़्न रो रो के बाप दी अखां नबीना हो गईयां फरमाया ओदा ता एक यूसुफ विछड़िया मेरे ते सारे यूसुफ ही विछड़ गए ने मेरे सारे यूसुफ ही विछड़ गए ने बाबा कहन लगा अल्लाह दा नबी यूसुफ भी कैदी बनया सी ओ नहीं रोया पुत्रा तू क्यों रोना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाउन लगे कैद यूसुफ दी ते कैद आबिद दी इस विच फर्क हजारा यूसुफ कैद इकला होया मेरे नाल में पर्दे दारा
सालों पिछू यूसुफ मिल पिया बाप ते भाइयां रोज कयामत टी कर दे गया ये मेरा बाप जुदा सरे बाजार गुजर रहा काफिला बस्ती जो गुजर रहा तवज्जो है जी भाई बड़ी माजरे चाहना मैं अहले सुन्नत व जमादा अदना जे खादिमा मैं ओ वाकया तुहानू रुलान वास्ते नहीं सुना सकदा कि जेड़े किताबा च मौजूद ही ने जेड़े मुसद्दका वाकयात मेरी नज़र चो कुतबे अहले सुन्ना व जमात चो गुजरे ने मैं सिर्फ वो सुना सकना जेड़े मुसद्दका ते पक्के ते अथेंटिक वाकयात ने मैं सिर्फ वो सुना सकना मैं तुहानू ओ ही अर्ज करांगा जो मैं अहले सुन्नत व जमात दीआं किताबां च सच्चे वाकयात पढ़े काफिला एक बाजार चो गुजर रहा ते लोग ना छतां तों सुक्कियां खजूरां छुहारे सट्टे खजूर आके जो आप दी गोदी चितने दिन बाद खावन वाली कोई चीज वेखी ते बचिया सन आपने पकड़ के खजूर मुंह च डाली हजरत ज़ैनब ने अपनी शहादत दी उंगली मुंह च डाल के ना खजूर बार कड़ के फरमान लगी ना नहीं धीए किधरे सदका ही ना हो असी मुस्तफा दी आला सारे जहान साढ़े सदकियां ते पलदे नहीं साढ़े ते सदका हराम ही ते रो के फरमान लगी दो चार दिन भुखी होर रह लै सकी ना मैं तेरे नाल वादा करनी आ मेरे नाने ते गुलाम कयामत तक तेरे नाम दे लंगर वंडदे रहणगे दो चार दिन प्यासी रह लै तेरे नाम दे ठंडे पानी दियां सबीलां लगिया करनगियां नौजवानों अचानक एक माई वडेरी सुखी रोटी दे शाजी दो टुकर लैके सैयद ज़ैनब कोल आई इस तरह करके रुके रोटी के टुकर पेश करके कह लगी बच्ची है परदेसन लगनी है भुखी लगनी है तो दुखी भी लगनी है यार रोटी खा ले जब मां ने रोटी अगे की ना तड़प जाओगे यो ज़ैनब इन गलियां दे अंदर जिदी सखावत इतनी मशहूर सी जब मौला अली खलीफा बने ना आप मदीने तो कूफे आए थे इन्हें गलियां थे इन्हें दरवाजे जो ज़ैनब शहजादी बन के अपने बाबा नाल गुजरी सी जो कैदन बन के गुजरी ए गलियां सन जिन्हां विच हजरत सैयद ज़ैनब की औरतों विच दरसे कुराने मजीद होंदे सन अली दी बेटी लोगों ते औरतों नूं दरसे कुराने मजीद इन्हां गलियां च अता फरमा दी सी ए गलियां सन जिन्हां च सैयद ज़ैनब इतनी सखावत कर दी इमामे हुसैन वर्गा सखी भी एक दिन आके कह लगा बहन ज़ैनब थोड़ी सखावत करया कर कुछ अपने बाल बच्चों लिए भी जोड़ के रख ते फातिमा दी बेटी ने वीर वल वेख के आख्या वीरा मैनू ते इंज लगदा रब मैनू देंदा ही वंडन वास्ते उजड़ी आप एडी वड्डी सखिया सी अज ओदे दरवाजे ते ओदे सामने माई सुखी रोटी दे टुकर लेके आई ना ते सैयद ज़ैनब दी अखां च अथरुआं दी कितार ते रोटी हटा के फरमा लगी अम्मा असी मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हां असी वंडन वाले हां माई ने आवाज सुनी ना ते हाथ जोड़ के कहन लगी नहीं धीए तू कौन है रो के फरमा लगी अम्मा कैदियां दियां बरादरियां नहीं पूछी दियां दुखियां कोलो बरादरियां ते मुसाफिरां कोलो बरादरियां नहीं पूछी दियां तेनों की दसां मैं कौन हां ते माई रो के कहन लगी नहीं धीए पुछदी इस वास्ते मां मैनूं तेरी आवाज फातिमा वर्गी पी लगदी परदेसां च मां दा जिक्र आया ना ते सैयद ज़ैनब ते चीख मार के रो पईआं माई दे गरीब होके फरमान लगी अम्मा तू फातिमा नूं किवें जाणनी है माई कहन लगी नहीं दिए जदों मैं जवान सां मैं मदीने बसदी रही हूं मैं नबी दी फातिमा बेटी दे घर नौकरी करदी रही हूं मैं नबी दी बेटी दे कपड़े धोंदी रही हूं सैयदा दा ना फरमान लगी अम्मा उस वेले दी को गल सुना दे
माई कह लगी मैं कदे नबी दी बेटी दे कोल बैठी सा। सैयदा ज़ारा फरमान लगी अम्मा कदे वेला आएगा तेरे शहर दिया गलियां च परदेसी गुजरने नी, उन्होंने पानी पिला देवी, उन्होंने एक वेले का खाना खिला देवी, नी धीए अज मेरे को सुकी रोटी दे टुकर नहीं, मैं ते नबी दी बेटी दी गल पूरी पे करनी आ। फरमान लगी अम्मा कोई होर गल सुना दे, ते माई कह लगी नी दिए उन्हां दी नज फातिमा दी एक छोटी जी बेटी सी जिदा नाम ज़ैनब है, उन्हों मैं लोरियां देंदी रही आ। सैयदा ज़ैनब दी चीख निकल गई, फरमा दिया अम्मा मैं मदीने वसदी हाँ, ते माई कह लगी नी दिए उस ज़ैनब दा की हाल है, ते रो के फरमान लगी अम्मा ज़ालम नबी दियां बेटियां कैदी बना के लै आए ने। माई कदम पकड़ के कहन लगी मुस्तफा दी ये धीए हैं, जांदियां जांदियां मेरे लिए दुआ करी जाओ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ उठाए अर्ज कर दिया या अल्लाह इसे अम्मा ने परदेसा विच सानु अपना परौना बनाया है, कयामत दे दिन इनू साडा परौना समझ के माफ कर, साडा सब परौना समझ के माफ कर दे। थोड़ी डिले से पर अपना सर अकदस रखा, माई ने चीख मारी, माई दी रूह परवाज कर गई, माई दी रूह परवाज कर गई। करबला दे बाद भी एक करबला है, नौजवान काफिला गुजरता जा रहा, एक यहूदी जिदा नाम है यहया, शाजी अपने मकान की छत पे बैठ के ना ते ओ तौरात दी तिलावत किया करे, तौरात दी तिलावत कर दिया अचानक ओदे कन्ना च कुरान दी आवाज आई, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, कुरान दी आवाज दीवान साहब क्यों लाई ना पढ़ा कुरान, ओ केड़ी आयत सी ओदे कन्ना च कुरान पढ़ा दी आवाज आई, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت دی آواز آئی میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے قاری صاحب قرآن پڑھے لطف آوے حافظ قرآن پڑھے لطف آوے تو جدو حسین قرآن پڑھے وہ جنہیں مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئے ہوں امام حسین دے لباں چوں وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اس آیت دی آواز آئی نا تے یہودی نے دائیں بائیں دیکھیا کون ہے جڑا ایڈا میٹھا قرآن پہ پڑھدا ہے، ایو نے ویکھیا کو دے مکان دی چھت دے برابر ایک سر پہ آ جاندا ہے تے دے لب پہ ہل دے نے تے قرآن دی آواز آ رہی ہے، سیڑھیاں تو اتر کے گلی چ آیا نا، گلی چ آیا میں کیڑا رنگ پیش کراں، حضرت امام محمد فقہ دے بہت بڑے امام نے آپ دا جنازہ گزریا تے ایک یہودی مکان دی چھت تے کھلو کے امام محمد دا جنازہ پیا ویکھے تے گلی چا کے تو نے کلمہ پڑھ لیا، لوگا پوچھا تینوں ہویا کی، کہن لگا بس اے دا جنازہ ویکھ کے حیران ہو گیا ہوں، محمد دے چھوٹے نکے محمد دا اسلام دے نکے محمد دا آ حال اے بڑے محمد دا کی حال ہوے گا، میں ویکھیا کہ ایدے مٹھے چ نور دی لاٹ نکل کے آسمان تے جاندی ہے، آسمان تے ہوندی ہے مٹھے چ سما جاندی ہے، تے جدوں حسین گزرتے ہون یحییٰ یہودی گلی چ آیا تے ویکھ کے تو دے پیر تھلے زمین نکل گئی کہ میں تے قرآن سنن آیا تے دا سارا ہے نیچے دھاڑی کوئی نہیں پھر بھی قرآن پڑھی جا رہی، یحییٰ یہودی حضرت امام زین العابدین کو لایا تے امام زین العابدین اپنے بابا دا چہرہ ویکھ کے پھر رو گئے، چہرہ ویکھ کے رو گئے، تے یحییٰ یہودی امام حسین دے سر والے اشارہ کر کے کہنے لگا اے کون ہے، سن جملہ زین العابدین دا رو کے فرما دے بابا پوچھنا کون ہے، ایک قدے مدینے والا ہوندہ سی
हूं तो क़यामत तक करबला वाला हुसैन बन गया है। या यहूदी हैरत ना पूछ दे कौन है वो जेड़ा कुरान नेज़े दी नोक ते पढ़ी जा रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा दा तारफ किवें करवा रहे, जे इजाजत दे तो मैं भी वो तारफ पेश कर दे। उन्हें अरबी च पेश किया, आओ मैं थोड़ा जहा मंजूम करके पेश कर दे। उन्हें पूछा कौन है जेड़ा नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी तुहाड़ी, मैं तुहानू छेड़ना भी नहीं चाहता इस मौके ते, पर मेरी माँ ने मैनू बचपन च दस्या सी पुत्र हुसैन दी जिक्र करिए ना ते हुसैन दी अम्मी बड़ी राजी होंदी है। मैंने कसम जे रब्बे मुहम्मद की कयामत नू किसे दी मां ने उस वेले तक जन्नत नहीं जाए जाना जब तक हुसैन की अम्मी नाराजी हो जाए, क्योंकि वह सैयदतुन्निसा इल आलमीन ने ना सारे आलमीन की औरतों की सरदार है, ते सरदार की इजाजत तो बगैर जन्नत को किवें जा सकेगी। जे तू चाहना ना कि तेरी कयामत में जन्नत की माँ वास्ते रावा सौखियाँ हो जा, जो मैं पढ़ा ना खैरुल बशर की आंख का तारा ते ए इस तरह करके हाथ बुलंद करके ते सर नीवा करके ना ते उची नल बोलिया जे हुसैन है। कौन है जड़ा जड़ा जिक्र हुसैन करना वो बोले कौन है खैरुल बशर की आंख का तारा। मेरा ते इको ईमान इस हवाले दे नाल यार जड़ा हुसैनी ना होवे करी साहब वो यजीदी आंदा ते असी सारे हुसैनी बैठे क्यों ना सी रल के अपने मुर्शिद का जिक्र करिए, क्यों ना सी अपने इमाम का जिक्र करिए। तो मिल के तारे पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, जहरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है, हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर कौम कह रही है हमारा हुसैनी, बोले हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है, हमारा हुसैन है, हर कौम कह रही है हमारा, बस मैं ते तू ही नहीं कहते हमारा हुसैन है, हदीसें पा के जाता है जेड़े वेले कयामत नु जल्दी जन्नत जी चले जाओगे दोजखी दोजखी जी चले जाओगे, अचानक दोजख अपना चेहरा उठा के ते जन्नत नु आखेगी जन्नते तेरे पल्ले की है, जन्नत आखेगी बड़िया बद बद गल्लां करनी है दस तेरे पल्ले की है, दोजख आखेगी अज बड़े बड़े बादशाह मेरे कोल, अज नमरूद मेरे कोल, अज फिरौन मेरे कोल, अज शदाद मेरे कोल, अज हमाउन मेरे कोल, निजंदे तेरे पल्ले की है, जन्नत अपना चेहरा लटका लवेगी। अल्लाह फरमाएगा नी जन्नते तू भी दोजख नू कह दे बादशाह तेरे कोल ने, हसन मेरे कोल, हुसैन मेरे पता चलिया मैं ते तू ही नहीं, जन्नत भी कहती है हमारा हमारा, भाई हुसैनी बोले हमारा, फिर बोलो हमारा, मैं ते तू तो दे नाने दा कलमा पढ़िया असा ते कहना साडा, पर इत्थे ते एक हिंदू शायर भी कहता है इब्ने अली गर तू यहाँ हिंद में आता, ए मदीने तू करबला वाले जान वाले कदे तू ए इब्ने अली गर तू यहाँ हिंद में आता, भगवान समझ के तेरी पूजा करते, हर कौम कह रही है हमारा हमारा। शाह जी जदों यहूदी ने पूछे ना कौन है, फरमाया खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन,
जहरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है। उन्हें पूछा ओ जो मदीने वाला नबी मुस्तफा है ओदा तो तरह फरमाया ही हुसैन है। यहूदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदम पकड़ लेते कहने लगा तेनों अपने नाने का वास्ते मैनू अपने नाने का कलमा पढ़ा। आपने फरमा कलमा क्यों पढ़ना चाहना कहने लगा आ आ आ तेरे नाने दे सच्चे होने की दलील है ना वो जिदा दो तरह के मोढ़े खेड़ के सिर के बगैर बगैर धड़ के सिर नाल कुरान पढ़ी जा रहे ओदा नाना किवें मर सकता है। मैं इख्तिसार अर्ज करा यहिया यहूदी ने कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गया। मुसलमान होके तो उन्हें अपने पुत्रां भांजियां भतीजियां अपनी बरादरी के सारे नौजवान कट्ठे करके ना इमाम हुसैन के सिर वाले इशारा करके कहन लगा ओ जिहड़ा नेदे दी नोक ते कुरान पे पढ़दा एवे मेरा मुर्शिद ते मेरे मुर्शिद ते कीता यजीदा ने जुलम यजीदिया ने ते होवे ना ते मुर्शिद तो कुर्बान ना हो जाइए। उहदी सारी बरादरी ने कलमा पढ़िया तो सारे मिल के ना तो यजीद के फौजियों पर हमला कर दिता। यजीदी फौजी अपनी जाना बचा के दौड़े यहिया जड़ा नौ मुस्लिम है उन्हों इतने तीर ते इतनी तलवारों के जख्म लगे कि उन्हें आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों च सिर रखिया ते आखिरी हिचकी लही तो रूह बर्बाद कर गई। मेरा ईमान कहता रूह भी जाते आखदी है कि ले सजना असा तोड़न पाई जान तेरे ये दूरा भी हो जावे ते ये मिल गई कुल खुदाई। यजीद नु पता चलिया तो उन्हें खबरदार ऐलान कर दिया हुण किसे शहर चो काफिला ना गुजरे किधरे बगावत ना हो जाए। यजीद ने ऐलान भेजा कर दिता अपनी फौज ने आख्या कि जंगलों के पहाड़ों चो गुजरो ते जल्दी कूफे पहुंचो कूफे तो दमिश्क पहुंचो। जिहड़ा सैकड़ों मील का सफर से जालम हजारा मीलों का बना लिया जिहड़ा मारूफ रस्ता से उस रस्ते चो नहीं गुजरते। मुस्तफा दियां धीआं वास्ते इन्हां मजीद परेशानी बनाई कि जंगलों तो पहाड़ों चो लैके गुजर रहे नौजवानों जंगल चो गुजर रहे। वो जिहड़ा सब तो पिछला ऊंट है ना चुके उहदे ते सकीटां बैठी शाह जी दीवान साहब मैं तुहाडी नज़र बात करन लगा जो गुजर रहे ना ते अंधेरा छाया ना ते एडी दूर तो सकीना नूं अपने बाबा दा चेहरा नजरी ना आ गया ते सकीना अचानक अपने ऊंट ते उठ के खड़ी हो गई ते उठ के ना ते इस तरह करके ना ते अड़िया उचिया करके अपने बाबा दा चेहरा वेख दिया ते इमाम हुसैन दा चेहरा ना नजरी आया ते सकीना ने दूर अपने ऊंट ते बैठ के ना ते आवाज दित्ती ते कहंदी है बाबा एक यजीदी ने थप्पड़ मारिया। सैयदा सकीना ऊंट तो जमीन पे गिर गई तो सकीना ऊंटा के पीछे दौड़ती तो काफिला टुटता ही जा रहा दियां वाले इमाम हुसैन की बेटी ज़ैनब सकीना पीछे ठोकर लगी तो जमीन पे गिर गई तो काफिला टुटता ही जा रहा सकीना पीछे बाबा बाबा करती रह गई। काफिला इतनी दूर चला गया कि अचानक एक वेला आया कि इमाम हुसैन के सिर वाला नेजा जमीन च ठुक गया। यजीदिया जोर लगाया पर नेजा उखड़ता नहीं। एक यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु कोड़ा मार के ते कह लगा तेरा बाबा कुरान पढ़ सकता है ते ये नहीं दस सकता कि टुरदा क्यों नहीं पूछ अपने बाबा तो टुरदा क्यों नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जोड़ के तर्ज किए बाबा मारा नहीं खादियां जांदियां दसो बाबा क्यों नहीं टुरदे। इमाम हुसैन दे लबा जी आवाज आई पुत्रा मेरी सकीना डिग पई मेरी सकीना डिग पई इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहन लगे फूफी आवाज वेखे आज मेरी सकीना किथे रह गई। सैयदा ज़ैनुल खैमे काफले दे पीछे दौड़दियां आईयां अंधेरे च आ के वेखे आज ते सकीना रेत ते लटी है ते रो के कहंदी है वाह मैनू नाल लई जाओ ते वीर अकबर मैनू लै जाओ वीरां बद मैनू नाल लै जाओ किसे दे नाम सुने आओ ते रो के कहंदी है बाबा कोई नहीं सुनदा तुसी ठहर जाओ। सैयदा ज़ैनब ने चुके सीने नाल लाया ते रो के फरमा दिया शाला मरन ना वीर किसे दे इना होन नहीं मानिया देना किस बैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया
तो लेना हिफाजत रात नू तू करेगा सारे यजीदी जंगल सो गए। अबुल खनूक कहना कि मैं देखा कि जंगल के किनारे एक ईसाइया का गिरजा है तो उन्हें ईसाइया के गिरजे के नाल जाके इमाम हुसैन के सिर वाला नेजा लगाया दीवार के नाल ते आप टेक लगा के वह भी सो गया। अबुल खनूक कहना खा बेच अचानक मैं देखा एक फरिश्ता दौड़ता पे आवे तो कह लगा रस्ता बना दियो हजरत बाबा आदम अलैहि सलाम हुसैन नू वेखन आ रहे हैं। बाबा आदम आए तो मत्था चुम के रोंदे टुर गए। हजरत इब्राहिम हजरत इसहाक हजरत यकूब अलैहि सलाम भी आए हजरत इस्माइल अलैहि सलाम भी आए। नौजवानों हजरत मौला अली हजरत जाफर तैयार कहता आए अचानक फरिश्ता दौड़ता आ गया तो कह लगा रस्ता बनाओ कमली वाले तशरीफ लेके आ रहे हैं। अबू अल खन्नू कहता मैं ख्वाब उठ के खुलो गया तो फरिश्ते के करीब जाके कह लगा जब हजूर आऊँ तो मैनू भी ज्यारत करा भी मैं भी कलमा नबी का पढ़िया। फरिश्ते ने इस जोर ना मुँह से थप्पड़ मारिया कि अबुल खन्नू की अख खुल गई तो सारा चेहरा जल गया तो सयाह हो गया थप्पड़ के नाल। अचानक उन्हें वेख्या कि उसके सामने एक बाबा खड़ा है तो बाबा इमाम हुसैन के सिर वाल वेखी पे जाए तो इमाम हुसैन कुरान पे पढ़ते तो सुनी पे जाए। अबुल खनूक बाबे नूं अद्धी रात वेले पुछदा तू कौन है कहन लगा मैं आ गिरजे दा पादरी हाँ मैं अंदर इंजील की तिलावत पिया करदा सा ते अचानक मैनू कुरान पढ़न की आवाज आई। इमाम हुसैन के सिर वाल वेख के कहन लगा कौन है कहन लगा किसी दसी ना ये साढ़े नबी का दुत्र है तो ईसाइया का पादरी कह लगा कितने जालिम हो तुसी। ईसाइया का पादरी कह लगा कि साढ़े ईसाइया को हजरत ईसा के गधे के पैर का खुर का निशान है तो जिस जगह हजरत ईसा के गधे के पैर का निशान है उस जगह का नाम असा कनीसा तो लहाफिर रखिया है तो असी हर साल उस गधे के पैर के खुर का निशान वेखने जाने। ईसाइया का पादरी कह लगा असि अपने नबी के गधे के पैर के खुर का अदब कर रहे तुसी अपने नबी के दूतरे का ही अदब नहीं किया। अबुल खनूक कह लगा बाबा जा जा ये साडा सियासी ते हुकूमतां दा मामला है। पादरी कह लगा मैं सारी जिंदगी 80,000 दिरहम जोड़ के रखे सारे लै लै एक रात हुसैन का सिर मैनू दे दे। अबुल खनूक ने सोचा 80,000 दिरहम रातों रात पे मिलते ने ते दे देवां उन्हें इमाम हुसैन का सर पादरी नूं दे दित्ता। पादरी इमाम हुसैन का सर लैके जो गिरजे च गया तो उन्हें अपने सारे खानदान नूं इकट्ठा कर लिया। इमाम हुसैन के सर अकदस नूं उन्हें सोने जे पानी दे नाल गुसल दिता ते करबला दी रेत ज़ुल्फां चों साफ कीती। चेहरे अनवर नूं धो के जदों सामने रख के ना थाले च पादरी तो घर वाले सारे सामने बैठ गए सारी रात इमाम हुसैन कुरान पढ़ते रहे थे सारे ईसाई सुनते रहे। जब पो फुटी तो अबुल खनूक ने दरवाजा खटकाया तो कहने लगा रात खत्म हो गई सौदा मुक गया वापस करो। उस ईसाइया के पादरी नाले इमाम हुसैन का सर वापस किया 80,000 दरम दिते ते नाले मुहम्मद अरबी का कलमा पे पड़े। अबुल खनूक हैरान होकर कहने लगा कलमा क्यों पड़े कह लगा जालमा तुसा हुसैन के नाने का कलमा पढ़ के उदा सर उतार लिया मैं इदे सद लथे सिर नु कुरान पढ़ता वेख के मैं कलमा पढ़ लिया है। कह लगा तू तो किसी होर को कुरान पढ़िया होगा तो कलमा पढ़िया होगा मैं राती हुसैन का नाना आप पढ़ा के गया ही। नौजवान बड़ी लंबी दास्तान ने 80,000 दिरम लैके जदों थोड़ी दूर गए तो सारे दिरम ठीकरियां बन गई। अगली रात अगले जंगल विच गुजारी यजीद दा फौजी जिहदा नाम है खौली। इबने साद नूं कहण लगा कि इह जंगल दे करीब ही मेरा गांव है ते अज दी रात हुसैन दा सर मैनूं दे नाले तो हुसैन दे सिर दी हिफाजत हो जाएगी ते नाले मैं अपने बच्चों नूं मिलावां। खौली इमाम हुसैन दा सर लैके जदों घर पहुंचिया तो उहदे सारे बीवी बच्चे सुते ने उहने इर्द गिर्द देखिया कि हुसैन दा सर कित्थे रखां। शादी उस जालिम ने अपने तंदूर का ढक्कन उठाया तो इमामे हुसैन का सारे अकदस तंदूर च रख दिता। खौली जालिम जाके सो गया। तहज्जुद नमाज का वेला होया तो खौली की बीवी बड़ी इबादत गुजार बड़ी मुत्तकी औरत सी
तहज्जुद नमाज पढ़न उठी तो उन्हें वेख्या कि तंदूर विचों अग दे शोले पे निकलते ने उन्हें ख्याल आया मैं ते तंदूर बुझा के लेटी सा उन्हें जड़े वेले आके तंदूर दा ढक्कन उठाया ना औरत वेख के रा रह गई है शोले नहीं हुसैन दा नूर है हुसैन दे मत्थे जनूर दियां लाटा पियां निकल दियां ने अपने खौली शोर दे मुंह ते थप्पड़ मारे आओ ते कहन लगी वे जालिमा मैं दस कित्थों आया है उठ के कहन लगा हुकूमत दे बागियां नाल जंग करके आया ओ कहन लगी वे जालिमा ओ बेखम हवा पे रोंदी आउंदी आओ हजरत बीबी आसिया दे सारा रोंदियां आईयां ने अम्मा खदीजा दे सैयदा फातिमा रोंदियां आईयां ने कहन लगी वे जालिमा तू बागी कहना मैं इनू जाननी आओ खौली कहन लगा तू कि मैं जाऊन नहीं है कह लगी पिछले साल हज करन मके गई साउ हजरे अस्वद बोसा लैन लगी ते मैं वेखे आओ लोग हजरे अस्वद नु छोड़ के एक नूरानी चेहरे वाले दे पैर पे चूम देने मैं पूछया मके वाले ओ ए कौन है जिदे पैर पे चूम दे ओ ते लोग आ गया बीबी तेनू नहीं पता हजरे अस्वद नु नबी ने एक बार चूमया है ए हुसैन है जिन्हों नबी ने आठ साल चुमया जिन्हों नबी आठ साल चुमया कह लगी वे जालिमा वे मेरे नबी दे दूतरे नु कुर्बान कर कह लगी तेरे ते खुदा दा अजाब आने वाले किधरे मेरे ते बिना आ जाए तहज्जुद नमाज वेले बीबी अपने घरों निकली खौली पीछे दौड़ के कह लगा किथे चली अपने बच्चों का ख्याल कर ते खौली दी बीवी कह लगी तू फातिमा दे बच्चों का ख्याल नहीं किया मैं तेरे बच्चों का ख्याल की करा उस बीबी ने जाके जंगल च किधरे कखां दी कुल्ली पा के हुसैन दे नां दियां तस्बीहां पढ़ के जिंदगी गुजार दी खौली सवेरे इमामे हुसैन दा सर लैके अपने काफिले च आया ते इब्ने साद नूं देख के कहन लगा लै मेरा दीन ते अगे गया अज मेरी दुनिया भी गई ना मेरा दीन रहा ते ना मेरी दुनिया रही नौजवानों काफिला टुरदा टुरदा जदों कूफे पहुंचया ते इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पेश कीता गया ते इब्ने ज़ियाद ने इमामे हुसैन दे चेहरे अनवर ते अपना पैर रखिया माज़ल्ला पैर चेहरे अनवर ते रख के ना ते जालिम अपने दरबारियों नूं पुछदा कैसा है एक सहाबी रसूल बैठे सन उठ के फरमा लगे जालिमा पूछना कैसा है ते आ मैं तेनू दसा कैसा है ते रो के फरमा लगे जिथे तू पैर रखिया ना इत्थे मैं मुहम्मद अरबी नूं होंठ रखिया वेखिया ही तू मैं कमली वाले नूं बोसे लैंदा वेखे नौजवानों लुटिया लुटाया काफिला जदों यजीद दे दरबार च पहुंचिया यजीद जालिम ने इमामे ज़ैनुल आबिदीन दे सामने इमामे हुसैन दे होंठां ते छड़ी मारी हजूर दे साहबी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े वडेरे 90 साल दे साहबी उठ के कलो के फरमांदे ने ज़ालिमा ना मारो ना होंठां नूं मैं नबी नूं चूमदियां वेखिया ठीक है यज़ीद कहन लगा तू नबी दा सहाबी ना होंदो मैं तेरे टुकड़े कर देंदा फरमांदे ने सहाबी दा अदब करना ते ओहदा करदा ही नहीं जिहड़ा मुहम्मद दे मोढ़ियां ते खिड़ के जवान होए इमामे ज़ैनुल आबिदीन वल वेख के ते यज़ीद कहन लगा तेरा अब्बा हार गया ते मैं जित गया फरमाया किवें ते कहन लगा वेख तेरे बाप दा सर थाल च ते मैं तख्त ते बैठा इधर जामिया मस्जिद च जुमे दी अज़ान दी आवाज़ आई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बेड़ियां छनका के फरमा लगे ओ अजान देने वाले तेना मुहम्मद की कसम ही इत्थे चुप कर जा चुप किया ते आप यजीद वल वेख के फरमान लगे ओ जालिमा इस अजान च तेरे नाने का ना है कि मेरे नाने का ना है यजीद तो गल ना बनी ते कहन लगा नाना तेरा ही लगता है फरमाया फिर तू हार गया ते हुसैन जित गए पुछदा किवें फरमाया हुसैन को तेरे तख्त वास्ते लड़िया उन्हें तेरे तख्त ते बैठ के की करना हो जेड़ा नबियां दे इमाम दे मोढ़ियां ते बैठ जाए फरमाया जालिमा मेरा बाबा ते किसी पत्थर नूं ठोकर मारे उन्हें तख्त बना दे ते यजीद कहन लगा क्यों लड़े फरमाया तू चाहता सा मेरे नाने की अजान बंद हो जाए ते हुसैन चाहता सी नाने की अजान होंदी रहे तेरा तख्त कल मिट जाएगा ओ वे हुसैन दे नाने की अजान पई होंदी आ अजान कल भी हुसैन दे नाने की होगी अजान कयामत तक हुसैन दे नाने की होगी जब तक मस्जिद की मीनार विचों अजान की आवाज आउंदी रहेगी तू हारिया रहेगा ते हुसैन जितिया ही रहेगा उस वेले लोगों नूं वेख के इंज लगदा सी जिवें हुसैन हार गया ते यजीद जित गए पर तारीख ने फैसला किया
कि हार दे ओने जिन्ना दा मकसद ते नसबुल ऐन हार जाए ते जित दे ओने जिन्ना दा नसबुल ऐन जित जाए। आ जड़ी तुहाडी मस्जिद दे मीनार च पंज वक्त दी अजान दी आवाज आंदी है ना, ये सिर्फ खुदा दी नमाज दा बुलावा ही नहीं, ये हुसैन दी फतह दा नकारा भी है। ये अजान दस रही है कि यजीद हार गया ते हुसैन जित गया। नौजवानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदूं ये लुटिया काफिला लेके मदीने आए ना, और मैं तुहानू सारे करबला दा फलसफा ते निचोड़ सुनावा। एक दिन वह भी आया, उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैदी बनाया ते बेड़ियां पाईयां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बड़ा मशहूर शागिर्द जिदा नाम है इमाम ज़ुहरी, कैद खाने च आया तो हाथ जोड़ के कह लगा, सैयद ज़ादिया कदे तेरिया बेड़िया मेरे पैरों च पै जान, तेरी जगह सोने मैं कैदी हो जावा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह किया तो बेड़िया टुट के उत्थे जा पईयां। इमाम ज़ुहरी हैरान होकर तो अर्ज़ की, लजपाला इत्थे बेड़िया तोड़द एक लम्हा नहीं लगाया। उत्थे करबला चो बेड़िया पा के टुरिया ते मुल्के शाम दे कैद खाने तक बेड़िया पा के आ गया, उत्थे क्यों नहीं तोड़िया। सुन हुसैन दे पुत्र दे अल्फाज, आपने इरशाद फरमाया, ज़ुहरी इत्थे तेरी मेरी गल हो रही है, उत्थे ओदी मेरी गल हो रही सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा दरवाजा खटकिया, आपने पूछा कौन? आवाज आई, हुजूर मैनू फलां चीज चाहिए। आपने फरमा जो लेना ले जा। वह बंदा लैके टुरिया ना, तो दरवाजे च जाके मुड़ के कहन लगा, ज़ैनुल आबिदीन तो मैनू पहचानिया नहीं? फरमाया, जो पहली बार आया सा मैं उदो ही पहचान गया सा, तू मेरे बाबे हुसैन का कातिल है, तू करबला च उस घोड़े ते बैठा सा जेड़े घोड़े मेरे बाबा की लाश नूं पे रोंदे सन। तो कह लगा, मैं तेरे बाप का कातिल हाँ, तो मैं करबला विच यजीद का फौजी सा, पर मैं तेरे बूहे जदों आया तो मैंने कदे खाली भेजिया ही नहीं। आई करबला वालों का फलसफा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आई तो तुहाडे ते साडे च फर्क है। फरमा, करबला च असी तेरे परौने सा, मदीने तो साडा परौना है। जो तू अपने वड्डियां तो सिखिया वह तू कीता सी, जो असा अपने वड्डियां तो सिखिया सी वो ही करी जा रहे हाँ। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की। बस भाई, बस मैं किसी के खिलाफ कोई भी बात नहीं करना चाहता भाई, बस ठीक है, बस मैं बिल्कुल ठीक है भाई। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की, आज़ादी ये हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अतायत न कर कबूल। बस बेटा बड़ा हो गया, हूँ फिर से कदे आए तो फिर वो भी सुनावांगे। अल्लाह ताला साड़ी हाजरी कबूल फरमाए। हाजी शबाज साहेब, अहमद रजा और दीगर तमाम जिन्होंने इस महफल का इनेकाद फरमाया, अल्लाह तमाम दी हाजरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Salam salam ya nabi salam salam ya nabi salam ya nabi salam jinki ma fatima और नाना नबी जिनकी माँ फातिमा और नाना नबी जिनका भाई हसन और बाबा अली उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम आप लाखों सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम। या इलाही
वाले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल या इलाही सदका जाए सब दुखी दिलों को चैन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ سادی عاجزانہ حاضری قبول فرما حاج محمد شہباز صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین انہاں دے صاحبزادگان جنہاں نے اس محفل مبارک واسطے بڑے ہی تس کو احتشام نال اہتمام فرمایا مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ انہاں دی حاضری نو قبول فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کاروبار مال جان صحت عمر امر رزق مائی برکت عطا فرما انتہائی خوبصورت انتظام الہی انہوں دا عظیم اجریات عظیم عطا فرما امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اقدس اندر ارمغان نیاز پیش کی تھی مولا قبول فرما کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے گج وج کے ذکر امام حسین کرن دی توفیق نصیب فرما نبی کریم دی آل اولاد دا واسطہ مولا تمام بے اولاداں نوں نیک تے صالح اولاد نورینہ نصیب فرما تینوں تیرے محبوب دے بچیاں دا واسطہ حضور دے بچپن دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی تے نیکیاں والی عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مولا تمام پریشان حالات دیاں پریشانیاں نوں دور فرما مقروضاں نوں قرضے توں نجات عطا فرما علماء پیران نظام تشریف فرما نے نبی کریم دی عزت دا واسطہ مولا مزید دنیا قبر و حشر دیاں عزت عطا فرما سانو دنیا قبر و حشر دیاں ذلتاں توں محفوظ فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات اور حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دا واسطہ مولا تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے پاکاں دا صدقہ جتنے قدم اسی چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے سجدے تے امام حسین دے آخری سجدے دا واسطہ سن پنج گنا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رب حبلی امتی والی دو دعاواں دا صدقہ الہی ساڈیاں تمام دی تمام دلی حاجات تمام دعاواں بہتر بنا کے قبول و منظور تے پوریاں فرما رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما ساری رات بیٹھ کے تیرے محبوب دے ذکر واسطے اسا رات گزاری الہی اپنے محبوب دی شب بیداریاں تے شب گزاریاں دا صدقہ ساڈے جگراتے نو قبول فرما کے نبی کریم دا صدقہ جڑے عظیم عطا فرما نوجوان کرے بے اولاداں واسطے ایک مرتبہ پھر دعا الہی سرکار دو عالم دے انہاں لمحیاں دی خیرات جدو بچپن وچ نبی کریم اما حلیمہ دے ویڑے چ کھیڑدے رہے الہی بے اولاداں دے ویڑیاں نو آباد فرما نیک تے صالح اولاد نورینہ نصیب فرما اپنے محبوب دے غلاماں دے ویڑیاں نو تالے نہ لگن دے الہی نبی کریم دا صدقہ نیک تے صالح اولاداں نصیب فرما ساڈیاں اولاداں نو حضور دے بچیاں دا صدقہ نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں والی عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈیاں دعاواں نو مستجاب فرما وڈیاں مہراں والیاں سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ میں انا تے تلکن رستہ کیویں روے سنبھالا تھکے دیون والے بہتے تو حد پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ ہور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی تاجدار چشت حضرت بابا جی فرد الافراد فرد واحد فرد الفرید حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء دی بارگاہ چ اس محفل مبارکہ نو پیش کرنے ہم قبول فرما کے آپ دے درجات دی بلندی فرما کے آپ دی خصوصی توجہ سانو سب نو نصیب فرما و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت مدد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول و صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین خورو چا بولو صلی اللہ علیہ میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جو لی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جو لی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا
गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका दारी दबकते 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 कुरान मजीद फुरकाने हकमी दी हजरत जिस मेरे भाई नु इस महफिल दी और अलामा साहब दा ऑडियो बयान चाहिदा होवे ओ होने सईदी साउंड आलियां कोलो अर्जेंट हासिल कर सकदा है इस मेरे भाई नु इस पूरी महफिल दी ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिदी होवे ते होने